मैं डॉक्टर वरुण दिल्ली से लाइव हूँ। अभी अभी मैं आपको ये लंबोसैक्रल बेल्ट दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक बेल्ट है जो कि आप लोग हर घर में देखते हैं, कमर दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये रॉड्स लगी हुई हैं दोनों तरफ से, जो कमर को सपोर्ट करती हैं। इस तरह की ये रॉड्स होनी चाहिए। बहुत सारे मरीज आते हैं मेरे पास जो मैग्नेटिक बेल्ट पहन के आते हैं या उनका सपोर्ट नहीं होता है, तो ये प्रॉपर आप जब भी इसको लें उसको दबा के देखें, इसका रॉड ये मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बॉडी का वो L5, S1, L4 के बीच में होता है। तो जब आप ये बेल्ट लगा रहे हैं तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको ये पकड़ती है, मतलब कि जो वेट है आपका वो सारा ये बॉडी का ले लेती है। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको कमर में तकलीफ है, लेकिन उनको कई बारी वो कमर पे बेल्ट लगाते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछने जाता हूँ, ये देखिए मेरे पास एक स्पाइन का मॉडल है, अगर किसी को कमर में दर्द है L5, L4, S1 में, तो वो तो बेल्ट लगाएगा। लेकिन अगर किसी को दर्द है या हिप के अंदर है ना, या पिरिफॉर्मिस मसल होती है हिप के अंदर उसमें दर्द है, या ये सैक्रम में पेन है पेशेंट को, तो वो भी बेल्ट कहां लगाएगा? बेल्ट तो हम ऊपर लगा रहे हैं, तो ये एरिया तो कवर ही नहीं हो रहा। मरीज आके कहता है जी मेरे को तो L4, L5 में जो है या डिस्क बल्ज है डॉक्टर साहब, तो मैं यहां तो बेल्ट लगा रहा हूं, लेकिन आप नीचे के लिए तो बेल्ट देते नहीं। तो अभी हम लोगों ने एक आपके सामने नई चीज लेके आए हैं, जो कि अभी इंडिया के अंदर बड़ी कॉमन नहीं है, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कनाल प्लस के माध्यम से। इसको हम लोग कहते हैं सैक्रल बेल्ट। सैक्रल ये जो मनके हैं, सैक्रम बोलते हैं इसको, ये ऊपर के 5 मनके लंबर कहलाते हैं, ये सैक्रम। सैक्रम का मतलब सैक्रेड, बड़ी पवित्र माने जाते हैं मनके, इसीलिए हम इसको सैक्रेड बोन बोलते हैं। ये जो मनके हैं इसको कवर करने के लिए अब हम बेल्ट दिखाने जा रहे हैं आपको। ये बेसिकली सैक्रम बेल्ट है जो कि हम आपको लगा के दिखाएंगे। इसको लगाओ ऐसे पीछे से, ऐसे। कई लोगों का जो हिप है पेल्विस आगे की तरफ चला जाता है ऐसे, कई लोगों का हिप पीछे की तरफ चला जाता है, तो ये मैं सैक्रम रीजन पे आपको दिखा रहा हूं कवर करके पेल्विक शिफ्ट को, पिरिफॉर्म मसल को। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। बस ये वाली बेल्ट दिखाओ। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास एक और ये नी हिंज सपोर्ट है, ये भी निकाल दो। नी हिंज सपोर्ट है, इसको बेसिकली हम घुटने में पहनते हैं। अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊं पहना के पेशेंट को, तो बहुत आसान है इसको पहनाना। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर आप इसको पहन रहे हैं तो ये घुटनों का वेट ले लेता है, डिवाइड कर लेता है, और पेशेंट को जो है वजन नहीं पड़ता है घुटनों के ऊपर। बहुत सारे लोग आते हैं जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑस्टो अर्थराइटिस है, या किसी को घुटनों के अंदर लिगामेंट इंजरी हो गई है, या कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट को घुटने के अंदर अलग अलग, तो इसके लिए हम ये एक हिंजिस वाला आपको सपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए आप इसके अंदर हिंजिस लगी हैं, मैं आपको हिला के भी दिखा रहा हूँ। ये प्लास्टिक की हिंजिस होती हैं जो कि वेट लेती है मरीज का। इसके अलावा मैं आपको और चीज दिखाता हूं। अभी देखिए मेरे पास ये एक नी सपोर्ट है। अब ये इसके अंदर मैं आपको रॉडे दिखाता हूं। पहले ये देखो कितनी मजबूत रॉडे हैं, मोड़ेंगी नहीं। आपने जब भी लेनी है दुकान से तो ये रॉडे चेक करके लेनी है। इसके अंदर देखिए पूरा वेलक्रो है, इसको आप अपने घुटने पे पूरा टाइट कर सकते हैं और चारों तरफ से इसका सपोर्ट रहेगा। ये किस केस में हम डालेंगे मरीज को, अब आपको मैं वो समझाने जा रहा हूं। देखो ये मेरे पास नी का एक जॉइंट है। अब कई मरीज आते हैं जिनके घुटने ऐसे मुड़े हुए हैं, ऐसे घुटने मुड़े हुए हैं। अब उनके घुटने सीधे करने के लिए हम लोग उनको ये पहनाएंगे नी सपोर्ट बेसिकली। और ये इसके अंदर पेशेंट चलेगा नहीं पहन के कहीं, आप सोचें ये पेशेंट को चला दे पहना के, तो इसमें मरीज को चलाना नहीं है, ये लेटने के टाइम मरीज ने लगाना है। क्योंकि अगर मैं इसके अंदर आपको दिखाऊं, ये देखिए किस तरह की रॉड होती है, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किसके अंदर किस तरह की रॉड होती है। देखिए लोहे की रॉड आपको नजर आएगी साइड से, तो ये इतनी मजबूत रॉड होती है लोहे की कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये आप देख सकते हैं लोहे की रॉड। थोड़ा सा मैं साइड से दिखा रहा हूँ, टाइट है थोड़ा, निकल नहीं पा रही है रॉड बाहर। तो इस तरह की रॉड है ये इसके अंदर जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये इस तरह देखिए आप अपने घुटनों पे लगा सकते हैं और मरीज चल सकता है इसको पहन के। इसके अंदर ये पूरे हिंजेस हैं साइड पे जो कि पूरा घुटने का, थोड़ा सा चल के दिखाइए आप,
ये देखिए आप जैसे जैसे चलेंगे इसको वेलक्रो को टाइट करके तो ये पूरा सपोर्ट ले लेगा घुटने का, चारों तरफ से घुटने को पूरा सपोर्ट करेगा। उसके बाद मैं आपको और चीज दिखाने जा रहा हूँ, कई चीजें हैं आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो हमारी यही गुजारिश है आपसे कि वीडियो के एंड तक पूरा बने रहे आप। ये मेरे पास एक एंकल के नी के लिए और है सपोर्ट, अगर ये मैं आपको दिखाऊं, जैसे फीमेल्स हैं घर में जिनको बड़ी पेन है तो ये बिना सपोर्ट के है, इसमें और उसमें यही फर्क है। ये देखिए सिर्फ ये घुटने को कवर तो कर रहा है लेकिन इसके अंदर सपोर्ट नहीं है। लेकिन कई हमारे बुजुर्ग हैं उनको चुभता है, वेलक्रो ठीक नहीं लगती है, चुभेगा, वो ये इस तरह का भी यूज कर सकते हैं घुटनों के अंदर, और ये भी बहुत अच्छा है, थोड़ा घुटने को आपको सपोर्ट देगा चारों तरफ से तो आपको काफी आराम मिलेगा इसके अंदर। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और कई चीजें हैं मेरे पास। ये एक आर्म स्लिंग है जो कि आप लगा सकते हैं, अगर किसी मरीज का फ्रैक्चर हो जाए तो उसके अंदर ये आर्म स्लिंग बहुत ज्यादा कारगर है। और ये आर्म स्लिंग हम आपको एक बार डाल के दिलवा के दिखाते हैं, क्योंकि कई बार फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ हवा में लटका रह जाता है तो उसके अंदर भी काफी दिक्कत आती है मरीज को। तो ये इस तरह का ये आर्म स्लिंग है, ये आप पहन सकते हैं और ये आप लगा सकते हैं, बहुत ही आराम मिलता है हाथ को। आपको गर्दन के अंदर ये लटक जाएगा एक भाग इसका और दूसरा भाग नीचे आ जाएगा, तो आपको जो है हाथ लटकेगा नहीं हवा में फ्रैक्चर केस के अंदर, यह प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह का आर्म स्लिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रैक्चर केस के अंदर, बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। और एक चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एंकलेट, एंकलेट वाला, यही एंकलेट वाला, हाँ ये तो हैंड वाला है शायद, हाँ एंकलेट वाला कहाँ गया हमारा, एंकल सपोर्ट था ना हमारा एक। आप बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। आप प्लीज जुड़े रहें करनाल प्लस के साथ और इसी तरह से हमारी वीडियोस को प्यार देते रहें। अभी एक मैं आपके पास और भी लेके आया हूं, तो ये करनाल प्लस के ऊपर नंबर दिखाए हैं हमने, अगर आप हमारे को संपर्क करना चाहें तो इस तरह के नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। ये देखिए ये एक एंकल का है सपोर्ट मेरे पास, इसको भी हम पहना के दिखाएंगे आपको। अगर आपकी एड़ी में दर्द है, पंजे में दर्द है, तो इस तरह का ये एंकल सपोर्ट होता है, ये आप पहन सकते हैं अपने पैर में। और जैसे आप इसको लगाएंगे एंकल सपोर्ट को, तो ये आपके एंकल को पूरा आराम देगा। बहुत सारी लेडीज आती हैं, बहुत सारे जेंट्स आते हैं, ये देखिए इस तरह एंकल होता है हमारा, और इसका प्लांटर फेशिया टाइट हो जाता है। कई लोगों को कैल्केनियस पर भी होता है, एड़ी में सूजन आ जाती है, तो इस तरह का ये आप एंकलेट यूज कर सकते हैं और इसको इस तरह से बांध के आप अपने घुटने के अंदर पंजे में लगा के चल सकते हैं आराम से। तो ये कई सारी हमने आपको अलग अलग तरह की चीजें दिखाई हैं जिसको लगा के आप चल सकते हैं, और हम आपसे ये बहुत गुजारिश करते हैं कि आप इसी तरह हमें प्यार देते रहें, करनाल प्लस के साथ जुड़े रहें। और आप हमें संपर्क करना चाहते हैं तो करनाल प्लस के ऊपर दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं करनाल प्लस का कि इस तरह की इंफॉर्मेशन और बहुत अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच, और हमें संपर्क करना चाहें ऊपर दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं।